सीट बेल्ट अभी लगा रहे हो ये क्या, ये क्या कौन सा कानून दुनिया को आप अलग पास साहब ने इंश्योरेंस करना। लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें और खुद इन्होंने अभी जब हमने पूछा तो तब जाके इन्होंने ये जो सीट बेल्ट पहनी है, ये मोबाइल से लोगों के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी नहीं कर रहे हैं। कोई बात अभी लगा रहे हो है? ये क्या, ये क्या कौन सा कानून दुनिया को आप अलग पास साहब ने इंश्योरेंस करना। लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें और खुद इन्होंने अभी जब हमने पूछा तो तब जाके इन्होंने ये जो सीट बेल्ट पहनी है, ये मोबाइल से लोगों के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं तू दस जगह दसना फोन तू करा दे फोटो लगे दिने बाहर भी दिने फोटो चला जवाब दे सीट बेल्ट इधर सीट बेल्ट गाड़ी तो स्टार्ट है ना गाड़ी, गाड़ी तो ऑफिस स्टार्ट है, गाड़ी तो सीट बेल्ट का तो स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट का है। अभी अभी लगा रहे हो जब हमने बोला अभी लगा रहे हो है? ये क्या, ये क्या कौन सा कानून दुनिया को आप अलग पास पढ़ाते हो और खुद आप डीजी साहब ने इंश्योरेंस करना। ये हाल है ट्रैफिक वालों का और पुलिस वालों का। लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें और खुद इन्होंने अभी जब हमने पूछा तो तब जाके इन्होंने ये जो सीट बेल्ट पहनी है। और ये महाशी जो सामने है ये कहते हैं मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, कोर्ट में बताइए कहीं भी दिखाइए। ये मोबाइल से लोगों के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं तू दस जगह दसना तू दस फोन तू करा दे फोटो लगे दिने बाहर भेजने के फोटो चला तू दस जगह दसना तू दस जने खाने जिते जिदा मन करता ओ फोटो खींच लेना मोबाइल यार रोड साइड जा रहे नहीं मैं और कल तो आखिर तू फोटो कल खिंचा हो आप ला एक मिनट की नहीं करो इस गला जवाब दे मेरा फोन तो चलो मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी ठीक है तुम्हें दसना की फोन पाया करता मेरी चोरी फोटो भी ना
प्राइवेसी लीक नहीं कराना तू प्राइवेसी लीक नहीं कराना हूं तेरे कानून तेरे पे ही है बाकी का कानून नहीं है मैं दसना तू गल करी ना तू मोबाइल भी तोड़े मेरा ठीक है मन कर फोटो जो तेरे खास आंदा तू फोटो नहीं खींचा कोई खास नहीं मेरा मेरा कह रहा मैं 70 किलो तू मेरे को जो तू पैसे देखिए तू फोटो नहीं खींचा पैसा तू कर प्रूफ अथॉरिटी फोन खोने मेरे को मेरा फोन खोए मेरा फोन तेरे को प्रॉपर्टी अथॉरिटी कि प्रूफ मैं फोटो खींचा तू करा दे फोटो खिंचनी है जेड़ा कोई कुछ जनानी जा रही हो तुम उसे फोटो खिंच लगे मशीनरी होंगी है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट हो गए उसे खिंचना पौंदा फोटो लगे देने बाहर भेजने के फोटो चला दस फोटो सीट बेल्ट किसे सीट बेल्ट किसे सीट बेल्ट किधर है सीट बेल्ट गाड़ी तो स्टार्ट है ना गाड़ी तो आपकी स्टार्ट है गाड़ी तो सीट बेल्ट का स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट का है अभी अभी लगा रहे हो जब हमने बोला अभी लगा रहे हो ये क्या कौन सा कानून दुनिया को आप अलग पाठ पढ़ाते हो नहीं गाड़ी में स्टार्ट है ना गाड़ी ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना है बेल्ट सीट अभी हमने बोला तो इसने सीट बेल्ट पहनी है ये देखो सामने ये हाल है ट्रैफिक वालों का और पुलिस वालों का लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें और खुद इन्होंने अभी जब हमने पूछा तो तब जाके इन्होंने ये जो सीट बेल्ट पहनी है और ये महाशी जो सामने है ये कहते हैं मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ कोर्ट को बताइए कहीं भी दिखाइए ये मोबाइल से लोगों के फोटो खींच रहे हैं लोगों की महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं लोगों की प्राइवेसी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं डीजी साहब ने इंश्योरेंस करना देखिए हमें अभी सांबा में खड़े हुए हैं जहाँ पे जब भी हम आते हैं हेलमेट पहने हुए होते हैं जब भी हम मोटरसाइकिल रोक के जब भी बात भी करते हैं ना हेलमेट उतार के ये फोटो खींच लेते हैं तो बाद में कहते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहनी ये कौन सा मतलब होता है अपने फोन से जब निकालते हैं तो फोटो खींच लेते हैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से ये फोटो नहीं खींच सकते ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से इनको इक्विपमेंट मिले हुए हैं बाहर से फोटो खींचिए फिर चलान खींचिए लेकिन ये क्या करते हैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से अपने फोन से फोटो खींचे जहाँ पे मर्जी आए वहाँ पे फोन फोटो खींच के तो अपलोड कर देते हैं और चलान कर देते हैं ये कोई रूल नहीं है इनका जो इन्होंने गवर्नमेंट इनको इक्विपमेंट दिए हैं वहाँ से चलान कीजिए फिर हम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं ऐसे हमें क्या पता कब फोटो खींचा कब क्या किया हम दरख्वास्त यही करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी चलान करना है वो एक रूल है रेगुलेशन के दौरान किया जाए ऐसे नहीं कि जब मर्जी करे बस चलान किए जाए और हमें पता भी नहीं चले अभी जो लोगों ने जब इनसे एतराज जताया तो वो बसलुकी के भी आपने देखा होगा कि बसलुकी बिल्कुल बसलुकी वो करते हैं सबके साथ करते हैं
सांबा में हो, बड़ी ब्राह्मणा में हो, गगवाल में हो, जहां मर्जी हो, बस लुकी दो सब्जी साथ होती है, ठीक है ना। जो आम लोग हैं ऐसे सारे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं कि मेरे पे कुछ ना हो, मेरे पे कुछ ना हो, मेरे पे कुछ ना हो, सारे ऐसे देखते चले जाते हैं, बोलता कोई कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से ही बोल सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है, यही गवर्नमेंट है हमारी। पुलिस को ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बोल सकते हैं, पुलिस हमारी क्या करती है, वही बेइज्जती करके चले जाती है, बोलना जो करना कर लो। हमने वीडियो बनाई तो क्या करें हम, वीडियो का मीडिया के थ्रू हम बोल सकते हैं। हम यही दरख्वास्त चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई करनी है एक लीगल तरीके से हो, इनके ऊपर भी हो। अभी आपने हमने मीडिया को भी तस्वीर दी हुई है कि इनकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो 2020 से इनवैलिड हो चुकी है, उसके बाद इंश्योरेंस हुई नहीं है उसकी। उनकी गाड़ी का क्या, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं। सी हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए, इनका कुछ नहीं। जे बिना गाड़ी स्टार्ट करें चले जाते हैं बिना सीट बेल्ट पहन के, हम सीट बेल्ट पहन लें पहले, बैठने से पहले हम सीट बेल्ट पहन लें, इनका कुछ नहीं। जे बिना सीट बेल्ट के चला रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, हम यही दरख्वास्त चाहते हैं बस, और कुछ नहीं।